इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अब बहुत हो गया कोरोना, अब हर हाल में कारोबारों को शुरू करना होगा। क्या लॉकडाउन फिर बढ़ाया जाएगा? ऐसा सवाल हर शख्स के सामने आन खड़ा है। आखिर करे तो क्या करे, लिहाजा किसी हाल में लॉकडाउन न बढ़ाया जाए ऐसे ख्वाहिश हर फर्द की है। इसमें क्या गरीब, क्या मजदूर, क्या मुलाजमीन, सभी परेशान है। महज सरकारी नौकरी वालों को छोड़कर हर कोई किसी तरह से गुजारा करे, इस सवाल का जवाब तलाशते नजर आ रहा है। हुकूमत सरकार हर रोज नए ऐलानात के जरिए आवाम को डराती रहती है। अब तो अगर किसी फर्द को कोरोना हो भी आता है तो इसका इलाज कैसे करे, यह भी सवाल समझ से परे है। पिछले साल से कोरोना ने इंसानी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया। अगर सामाजिक खिदमत करने वाली तंजीमें, इदारे राशन किट या खाने के पैकेट्स तकसीम कर भी रहे हैं तो क्या इसका फायदा हर फर्द को मिल रहा है? और अगर मिल भी रहा है तो महज एक आध दिन का गुजारा हो जाता है, पर अगले दिन का सवाल फिर भी सामने खड़ा रहता है। आज कैसे गुजारा हो, बच्चों का दूध, बच्चों की परवरिश, बुजुर्गों की दवाइयां, सभी कुछ मुतासिर हुआ है। अगर हुकूमत राशन दे भी रही है तो क्या हर फर्द को इसका फायदा मिल रहा है? आज का मौजू भी इसी सुलगते मसले पर है। आखिर इस लॉकडाउन से निजात कब मिलेगी? कोरोना की दूसरी लहर ने गोया इंसान के जीने की उम्मीदों को ही खत्म कर दिया। कहां किससे फरियाद करे समझ में नहीं आ रहा। लाखों लोग ऐसे हैं जो ना तो कह सकते हैं और ना किसी से मांग सकते हैं। हुकूमतों के भरोसे तो आम इंसान रह ही नहीं सकता। जब किसी मुर्दे को ही बख्शा नहीं जा रहा, वहां जिंदों की क्या हालत। खैर, बढ़ते लॉकडाउन ने आम इंसान की सांसों का ऑक्सीजन ही छीन लिया। रियासत की हुकूमत कभी लॉकडाउन बढ़ाने की बात करती है तो वजीर दाखिला अभी तो कुछ तय नहीं हुआ कहते हैं, तो प्रधानमंत्री 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगी की बात करते देखी जा रही है। पर उस गरीब के घर के चूल्हे की किसी को परवाह नहीं है। मान लो अगर किसी घर के कमाने वाले ही फर्द की मौत हो जाती है तो इसका कौन जिम्मेदार? कहने को बहुत बातें हैं, पर सच्चाई यही है कि हर एक को अपनी जिंदगी बोझ लग रही है। वह दूसरों का कौन सोचे, घर में मासूम बच्चे, बूढ़े वालिदैन, घर में कमाने वाला एक ही इंसान और महीनों तक चलने वाला लॉकडाउन में कोई बताए तो सही के जिंदगी आखिर जिए तो कैसे? गुजरा हुआ कल आने वाले कल से मुश्किल तर साबित हो रहा है। एक दिन गुजारना हो तो कयामत गुजर रही है। अब तो ऐसे वक्त में ईद की खुशियां भी मैसर नहीं हो रही। हुकूमतों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि किसी तरह दुकानों को, बाजारों को शुरू करें। और सब्र नहीं किया जा सकता और घर में बैठकर गुजारा नहीं हो सकता। मजदूर गरीब तड़फ रहे, घर से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलने पर जुर्माना भरने के लिए भी। लोगों के पास पैसे नहीं है। हम यह नहीं कहते कि इंतजामिया सख्ती कर रही है, गलत कर रही है, इंतजामिया अपना काम कर रही है। सवाल तो हुकूमतों से है, आखिर और कितने दिन इसी आजमाइश के दौर से गुजरना पड़ेगा। रियासत हो या बेलगाम शहर का मामला हो, यहाँ गरीब मजदूर किसान तबका बहुत बड़ा है। अगर महज बेलगाम के बाजार का ही जायजा लिया जाए तो कई खानदानों के अफराद कुली हमाली कर अपना गुजारा करते हैं। सब्जी मंडी में सैकड़ों लोग इसी तरह हर रोज मजदूरी कर अपना गुजर बसर करते रहते हैं, जो आज घरों में बैठे हैं। अक्सर लोग तो महज घरों में बैठकर ही बीमार हो रहे हैं। आखिर किस बीमारी से निजात दिलाना चाहते हैं और किस बीमारी से निजात दिलाई जा रही है? और अगर इसी दरमियान कमाने वाले शख्स की मौत हो जाती है तो बीवी, मासूम बच्चे और बूढ़े वालिदैन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। हजारों देहाती खातून हैं जो बेलगाम शहर में सब्जी लाकर सुबह से शाम तक सड़क पर बैठकर कुछ रुपये घर ले जाती है, ताकि किसी तरह से गुजर बसर कर जिंदगी की गाड़ी खींचती रहे। क्या इन सब्जी, फ्रूट, ऑटो, टैक्सी चलाने वालों की जिंदगी महज हुकूमत से 3,000 रुपए लेकर खुशहाल हो सकती है? और वैसे भी कितने लोगों को ये रुपये मिलते हैं? हजारों, लाखों, करोड़ रुपए के गफले करने में सरकार तो वैसे भी माहिर रहती है। कोरोना की आड़ में भी रिश्वतखोरी से हुकूमतें बाज नहीं आ रही। पीपीई किट से लेकर दवाइयां तक की कालाबाजारी धड़ल्ले से ऐसे वबा के दौर में भी जारी है। खैर, जो भी है, अब आवाम की राय यही है कि अगर बीमारी के बहाने हमें घर में बैठकर मारने से बेहतर है कि हम 4 रुपए कमाने के लिए बाहर निकले, फिर चाहे कोरोना भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं। वैक्सीन के लिए पैसे, ऑक्सीजन के लिए पैसे, वैसे भी बगैर रुपये के क्या मिलता है? अब बहुत हो गया। ब्रेक द चेन के नामों पर सांसों को ही ब्रेक कर दिया जा रहा है। अकाउंट में तो किसी के 1 रुपया नहीं डाला जाता, पर बात बात को घर में रहिए, महफूज रहिए का नारा लगाया जाता है। वैक्सीन नहीं पर मोबाइल में वैक्सीनेशन पर कॉलर ट्यून बजाई जाती है और खुद को बड़े ही राष्ट्रवादी समझने वाले भाजपा के लीडर वैक्सीन में भी कमीशन खाने से नहीं चुकते। लिहाजा कांग्रेस की जानिब से तेजस्वी सूर्या पर मुकदमा दायर करने की मांग की हुई है। हासिल तला के मुताबिक अपने ट्विटर अकाउंट से वैक्सीनेशन के लिए ऐलान करते हुए वासवी हॉस्पिटल में अपना नाम दर्ज कराने की मांग की गई। जब लोगों ने वैक्सीन पर फोन
फोन किया तो इन्हें 700 रुपए से 900 रुपए तक की कीमत बताई है। तेजस्वी सूर्य जो हमेशा हिंदू मुस्लिम कर नफरत की सियासत करने की कोशिश करता रहता है, लिहाजा अब वैक्सीनेशन में भी कमीशन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। पिछले लॉकडाउन में जिनके कारोबार चले गए उन्होंने छोटी मोटी चलती फिरती तिजारत कर गुजारा करने लगे, पर जैसे ही दूसरी लहर आई सब कुछ तबाह हो गया। कपड़े और घर की तामीर तो दूर की बात, अब दो वक्त की रोटी ही मिल जाए तो काफी है। लिहाजा बहुत ही मुश्किल हालात से इंसान जूझ रहा है और लॉकडाउन सहने की कुव्वत अभी इनमें नहीं रही। इन गरीब आवाम के बारे में सोचकर हुकूमत को चाहिए कि लॉकडाउन को आगे न बढ़ाते हुए हालात को मामूल पर लाए, वरना यकीनन अब भुखमरी से मौत एक ही रास्ता आवाम के सामने बच जाता है, जिसके बारे में सोचना यकीनन हुकूमत के साथ मोहल्ले के अमीरों की भी जिम्मेदारी है। अब तो हमने गरीबों के घरों में ही झांकना बंद कर दिया, कहने को सुनने को बड़े बयानात अच्छे लगते हैं। तुम तब तक मुकम्मिल मोमिन नहीं हो सकते जिसका पड़ोसी भूखा हो और तुम पेट भरकर खाना खा रहे हो। कहने का मतलब ऐसे मुश्किल दौर में जमातों, इदारों या मोहल्ले के अमीर लोगों की जिम्मेदारी है घर घर का जायजा लेकर खामोशी के साथ राशन पहुंचाने की कोशिश करें। अक्सर यह देखा जा रहा है कि एक गरीब की गैरत का तस्वीरों के जरिए किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है, महज एक केला भी दे रहे हैं तो तस्वीर निकाली जा रही है। लिहाजा यह मौका है कि आखिरत की कमाई करे, भूखे को अनाज पहुंचाने का मौका मयसर हुआ है। लिहाजा अगर हम किसी एक की ही क्यों ना जिम्मेदारी ले सकते हो, ले ली जाए, क्या मालूम कि उस गरीब की दुआएं अर्श इलाही तक पहुंच जाए और तुम्हारी निजात के लिए जरिया बन जाए। यकीनन मुफाद परस्त और मतलब परस्ती का जमाना है, इतना मतलब परस्त इंसान हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। जो आज देख रहे हैं पूरी तरह से हुकूमत के भरोसे भी ना रहे। अल्लाह ने तुम्हें जितना भी दिया है उसमें से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश करे। बहुत कमा लिया, बहुत झूठ बोल लिए, मौका है कि आज किसी के काम आ जाए। बहुत सारे लोग इंतजार में है कोई आए और हमारे पेट की भूख बुझाए, और वो शख्स हो सकता है कि आप ही हो। महज बयानबाजी या बहस करते कट्टों पर बैठने से मिल्लत के लिए उम्मत के लिए कुछ करो। क्या पता कि हमारा और आपका कफन बाजार में आ चुका हो और हम अपनी निजात का मौका यूं ही खो दें। अहम खबरों पर एक नजर। अंजुमन कोविड सेंटर में मरीजों का इलाज जारी है, तकरीबन 50 से भी ज्यादा बेड के इस कोविड सेंटर में कई मरीज शिफाई आब हो रहे हैं। लिहाजा इनके इन्हीं खिदमात को सराहते हुए बेंगलोर से मर्स मिशन के वफद ने अंजुमन कोविड सेंटर का दौरा किया और यहाँ के कामों को सराहा। मर्स मिशन के जिम्मेदारों ने पूरी रियासत के कोविड केयर सेंटर्स और मुख्तलिफ इदारे जहाँ पर भी इस तरह के खदमात अंजाम दे रहे इनका जायजा लिया जा रहा है और इन्हें जरूरी चीजों को मुहैया कराने का वादा भी किया जाए। मुख्तलिफ इदारों के इश्तराक से खिदमात को अंजाम देने की बात कही। अंजुमन कोविड सेंटर से काफ़ी मुतासर हुए और यहाँ की साफ सफाई की भी तारीफ फरमाई और अंजुमन इस्लाम के सदर जनाब आसिफ राजू सेठ को इन्होंने मुबारकबाद पेश की। Honestly, we have been a really a team which is unanimously working without any title as such. But when we came here to see the COVID center, we were very appalled. The hygiene, the privacy, the facility here is very good. Talking a little about Mercy Mission, our team has come from Bangalore. We've been to Davangere, we've been to Kerebelji, we've been to Hubli, and now we've come to Belgaum. We've been sending concentrators which have been donated from other countries worldwide, and we've been sending it to North Karnataka. They have reached various COVID centers, and after coming and looking at the COVID center at Anjuman, we've been really appalled. Alhamdulillah, some really good work has been going on here. Assalamu alaikum. Mera naam Miraj hai, Mercy Mission se. So hum log do din pehle nikle the ke matlab 11 नॉर्थ कर्नाटका के लोकेशन पे हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, पीपीई मास्क और जो भी कोविड रिलेटेड मटेरियल था वो डिस्पैच किया था कि मतलब नॉर्थ कर्नाटका से हमें रिक्वेस्ट चाहिए कि ये सब चीज़ों की मदद चाहिए हमें करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 डिस्ट्रिक्टों को ये भेजा आइटम, जो भी आइटम था। तो अलहमदुल्ला ऐसे ही ये लेके निकले थे कि चलो डिस्ट्रिक्ट में देख लें कि मतलब कैसे काम चल रहा है, क्या बेंगलुरु स्टेट से मर्सी मिशन से और क्या मदद चाहिए करके हम लोग निकले थे ऐसे ही। एक टीम अकेले काम करने से कोई ज्यादा क्या बोलते हैं इफेक्ट नहीं होता, रिजल्ट नहीं मिलता। पूरे एनजीओ जो कुछ भी डिस्ट्रिक्ट में, तालुक में, सिटी में मिल के काम करे तो इंशाल्लाह कुछ हो सकता है। तो यही मेरा एक है, बिकॉज बैंगलोर में वही करें हम, ऑल दी मेजर एनजीओ हम मिलके 27 एनजीओ बोल के मर्सी मिशन करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चलता है। तो इंशाल्लाह पूरे कर्नाटक, पूरे इंडिया में ऐसे मिलके किए तो अल्हम्दुलिल्लाह कोविड
बैंगलोर से हमारे नौजवान मार्किट मिशन से आए हैं। नौजवान हमारा सेक्टर हमने दिखाया, अब क्या काम कर रहे हैं उनके दिखाया। अंजुमन के बारे में तो हमने काफ़ी बार बात कर चुके हैं, हमारे कोल सेंटर के बारे में। मैं इनके बारे में बात करता हूँ कि मल्टी मिशन हम लास्ट एक साल से कर रहे हैं, इनके नाम काफ़ी काम चला है। और पूरे पहले तो सिर्फ बैंगलोर में करते थे और पूरे स्टेट भर में ये कर रहे हैं। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी NGOs हैं इनके साथ मिलें, हम भी इनके साथ मिल के काम करेंगे। और जब सब मिल के काम करते हैं तो उसका बेनिफिट हर इंसान को और ह्यूमैनिटी को होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा MLA अभय पाटिल के कोरोना भागने के होम हवन पर तंज करते हुए कांग्रेस का ईद सतीश जारकीहोली ने कहा कि अगर वाकई कोरोना होम हवन से ही भाग जाता हो तो फिर डॉक्टरों की जरूरत क्या है। लिहाजा गलत रस्म रिवाज के जरिए आवाम को गुमराह करने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने आगे कहा कि होम हवन से कोरोना भाग जाने की दलील अगर अभय पाटिल देते हैं तो हम इनकी गोलपोशी कर इन्हें एजाज से नवाजने की बात कही। 5 साल तक डॉक्टरों को सीखने की क्या जरूरत है, ऐसा भी कहा। आज कोरोना वबा के मद्देनजर कांग्रेस भवन में हेल्पलाइन शुरू की गई जिसकी इफ्तिताह सतीश जारकीहोली के हाथों अमल में आई। कोरोना किट के साथ राशन भी तकसीम किए जाने की बात कही गई। इस वक्त लक्ष्मी बाड़कर और अशोक पट्टन भी मौजूद थे। आखिर क्या क्या नहीं दिखा इस कोरोना ने। किसान वैसे भी परेशानियों से जूझता रहता है पर लॉकडाउन के चलते अन्नदाता फिर मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। कई ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने अपनी उगी हुई फसल को खुद ही बर्बाद कर दिया। बेलगाम कनबरगी के किसान ने भी अपनी कोथमीर की फसल पर ट्रैक्टर घुमाकर अपनी मजबूरी को इसे खत्म कर जाहिर किया। बाजार में कोथमीर के दाम इतने गिर चुके हैं कि बाजार तक ले जाने की भी कीमत हासिल नहीं हो सकती। इसी तरह तरबूज को भी किसान ने आकर गुस्से में आकर तरबूजों को सड़क पर फेंक कर खत्म किया। लिहाज अब यह हर तरफ देखा जा रहा है कि किसान मजदूर ऑटो वाले इंतहाई परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं जिसकी बिल्कुल परवाह हुकूमतों को नहीं है। इन्हें फिक्र और लॉकडाउन बढ़ाने की है, भूखे गरीबों की नहीं, इतना जरूर है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।